इंग्लैंड में ओवल की विकेट पर कैसे भारतीय बल्लेबाज एक एक कर बेदम होते चले गए, ये सबने देखा। विराट कोहली को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे पहले पायदान के बल्लेबाज एक एक कर ढेर हो गए। केएल राहुल हो या फिर धवन, पुजारा हो या फिर रहाणे, सब अंग्रेजों की गेंदबाजी के आगे पस्त हो गए। इवन उपकप्तान रहाणे तो बिना खाता खोले ही चलते बने, मगर हनुमा विहारी ने दिखा दिया कि क्यों वो नेशनल टीम में चुने गए हैं। हनुमा ने अपने पहले टेस्ट डेब्यू मैच में ही बल्ले से जो जादू बिखेरा उसे पूरी दुनिया ने देखा। हनुमा विहारी ने अपने पहले टेस्ट में जिस अंदाज से बैटिंग की उससे अगड़ी पारी के बल्लेबाजों को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। पांचवें और आखिरी टेस्ट के दूसरे दिन हनुमा विहारी जहां पर 28 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं तीसरे दिन की शुरुआत से ही विहारी ने इंग्लैंड पर दबाव बना दिया। विहारी ने शानदार बैटिंग करते हुए न सिर्फ अपना पहला इंटरनेशनल 50 पूरा किया बल्कि ओवल की विकेट पर 7 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का भी मारा। हनुमा विहारी आखिर तक डटे रहे, लड़ते रहे, मगर फिर मोइन अली की बॉल पर गच्चा खा गए और जॉनी बेयरस्टो के हाथों अपना विकेट कैच करा बैठे। हालांकि हनुमा यहां भी टूटे नहीं, हनुमा ने एक और DRS लिया, मगर इस बार हनुमा को पवेलियन लौटना पड़ा। हनुमा 124 बॉल पर 56 रन ठोक कर भारत की नसों में खून तो भर ही गए। मैच का नतीजा जो भी रहे, मगर हनुमा विहारी की शानदार पारी की पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।